भगवान राम को लेकर जो महात्मा गांधी के विचार थे, आप उससे सहमत हैं? मैं वाल्मीकि के विचार से सहमत हूँ। महात्मा गांधी कोई हमारे लिए वो आदर्श नहीं, वाल्मीकि आदर्श हैं, तुलसीदास जी आदर्श हैं और सब पूरे देश के आदर्श हैं। वो राष्ट्रपिता हैं आचार्य जी, वो अलग बात है। वो राष्ट्रपिता होंगे तो क्या उनके मरने के बाद क्या राष्ट्र बिना बाप का हो गया क्या? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। अरे यार, राम जी को राष्ट्रपिता मानो जिसका कोई वध ही नहीं कर सकता। जैसे हम शहीद भगत सिंह कहते हैं, जैसे हम लोकमान्य तिलक कहते हैं, जैसे हम शहीद आजम कहते हैं, लोकनायक जयप्रकाश कहते हैं, वैसे ही एक सम्मानजनक उपाधि। हाँ, ये उपाधि है बिल्कुल। तो इतना इसको इतना स्थूल बना देना कि बिना बाप के हो गया भारत, ये तो बड़ी विचित्र बात। नहीं नहीं, आपसे अपेक्षित नहीं। नहीं नहीं, मैं अनपेक्षित बात नहीं कर रहा हूँ, इतना मैं सहमत हूँ, उपाधि स्वीकार्य। तो वही तो है उपाधि, और क्या उपाधि आप कहिए तो मैं कोई आपत्ति नहीं। अंशुमान जितनी उपाधि देते मैं दे दीजिए। आपने कहा बिना बाप के बाहर हो गया क्या? क्या वास्तविक पिता राष्ट्र के हैं क्या वो? अब आचार्य जी, राम जी को वास्तविक पिता कहने में आपत्ति क्या है हमको?